मनुष्य बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आओ। एक बार हम लोग उच्च स्वर में गुरु महाराज जी की जय ध्वनि करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में अनंत कोटि सहनमन। इस आश्रम के जो पूज्य बाबा हैं थे हमारे, अब हम सबके बीच में जो नहीं हैं शरीर रूप में, पूज्य स्वामी वसुदेव बाबा के भी पावन चरणों में नमन। और यहाँ के समस्त सत्संग प्रेमी महान भावो, पूजनिया माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंतःकरण में विराजमान उस परमात्मा के अभिन्न अंश को मेरा कोटि कोटि नमन। भगवान की जब विशेष कृपा होती है जीव के ऊपर तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। धन संपत्ति, पुत्र परिवार, यश कीर्ति, ये तो हमारे प्रारब्ध का परिणाम है। प्रारब्ध के विधान के अनुकूल ये सारी वस्तुएं जीव को प्राप्त हो जाती है। लेकिन सत्संग की प्राप्ति, बोले सत्संग की प्राप्ति भगवान की कृपा का फल है। पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति तो प्रारब्ध का फल है, और प्रारब्ध के अनुकूल न चाहने पर भी सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। नास्तिकों को भी सुख संपत्ति और समृद्धि मिल जाती है, उनका भी प्रारब्ध उनका काम करता है। लेकिन भगवान की कृपा का फल, बोले भगवान की कृपा का फल जीव को सत्संग की प्राप्ति। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा होती है तभी सत्संग सुलभ होता है। देवर्षि नारद जी सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमं चलभते पुरुषो यदा वही।
अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हितरो दयते विवेक। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग में आकर विवेक का उदय होता है। अविद्या का, ज्ञान का जो मूल कारण है माया, उस माया की निवृत्ति होती है और जीव को परमार्थ का मार्ग प्राप्त होता है। इसीलिए श्रवण भक्ति को, सत्संग को ही प्रथम भक्ति कहा। श्री प्रहलाद जी महाराज ने भागवत महापुराण में जब नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं, हिरण्यकश्यपु के पूछने पर हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि बेटा तुमने क्या पाठ पढ़ा, तो प्रहलाद जी ने कहा हमने 9 पाठ पढ़ लिए। बोले 9 पाठ पढ़ लिया, 9 तो पूर्ण अंक है, 9 पूर्ण अंक है, अर्थात पूरा पाठ हमने पढ़ लिया, जितना पढ़ना चाहिए था उतना पढ़ लिया। क्या पढ़ना चाहिए था? प्रहलाद जी कहते हैं हमने यही पढ़ा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति बताई, मैंने ये 9 पाठ पढ़ा, और यही 9 पाठ जीवन में व्यक्ति पढ़ ले, यही सब पढ़ने का फल है। बाकी जितना पढ़ा सब बेकार है, बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, वैज्ञानिक बन जाओ, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इन सारी शिक्षाओं का महत्व केवल इसी जीवन में है। और वह भी क्या महत्व है? केवल धनोपार्जन के लिए, और कोई महत्व नहीं है। उससे ज़्यादा धनोपार्जन दूसरे क्षेत्र में हो तो व्यक्ति दूसरी पढ़ाई पढ़ लेता है, चलो ये अब करें, इसमें ज़्यादा लाभ है। लेकिन पढ़ने का जो फल है, अज्ञान की निवृत्ति हो और आत्मस्वरूप का बोध हो, आत्मकल्याण का मार्ग प्राप्त हो, इसकी पढ़ाई तो यही है कि हम 9 पाठ पढ़ लें, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। और ये नवधा भक्ति जो है, इसमें पहला पाठ क्या है? श्रवणम, सुनना, सत्संग हम श्रवण करें, श्रवणम। प्रहलाद जी कहते पहला पाठ यही है, भगवान की कथा श्रवण करना, ये भक्ति का प्रथम सोपान है। सत्संग श्रवण करना, भक्त के सोपान को पार करते हुए भक्ति का चरमोत्कृष्ट, भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, उस शिखर तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी क्या है? सत्संग है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और भागवत के अनुसार श्रवण भक्ति, और श्रवण भक्ति की अपूर्व महिमा है। भगवत कथा श्रवण कर द्वारा ही अंतःकरण की शुद्धि होती, अन्य किसी उपाय से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। बड़े बड़े यज्ञ यागादि कर्म कर लेने पर भी स्वर्गादि की प्राप्ति तो हो सकती है, अंतःकरण की शुद्धि की गारंटी नहीं है। जब तक जीवन में सत्संग नहीं मिलेगा, तब तक विवेक नहीं हो सकता। विवेक उस ज्ञान को कहते हैं जिस ज्ञान के द्वारा सत असत, उचित अनुचित, ग्राह्य त्याज्य का हम भेद समझ सके, उस ज्ञान का नाम विवेक है। दूध और पानी को अलग कर सको, तात्पर्य ये हुआ विवेक। विवेक का मतलब अच्छे बुरे के भेद को हम ठीक ठीक समझ सकें, इसका नाम विवेक है। और ऐसा विवेक सत्संग में ही आकर के प्राप्त होती है, बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिन सत्संग विवेक न हुई, बात समझ में आ गई? बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा तो फिर सत्संग कैसे होगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिलेगा, और जीवन में सत्संग मिल रहा है तो समझ लो
कि भगवान की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। भगवान की कृपा का यही परिणाम है कि आप सत्संग में पहुंच गए, आ रहे हैं। नहीं तो लोग तो बहुत, लेकिन किसी को फुर्सत है? किसको फुर्सत है? किसी को फुर्सत नहीं। किसको फुर्सत है सत्संग में आने की? और सत्संग में आने पर बड़ी बड़ी समस्याएं भी होती, बाधाएं भी आती है लोगों को सत्संग से। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यही सर आवत अति कठिनाई। इस सत्संग रूपी सरोवर में आने के लिए कोई जीव चलता है तो रास्ते में अनेक कठिनाइयां भी आती है। यही सर आवत अति कठिनाई। और अगर आप आ गए तो समझ लो भगवान की कृपा से आ गए। राम कृपा बिनु आई न जाई। राम जी की कृपा के बिना कोई सत्संग में आ नहीं सकता। और कितने लोग तो आते हैं लेकिन आने के बाद भी उन्हें सत्संग का लाभ नहीं मिलता। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। अजड़ता जाड़ विषमपुर उर लागा, गयउ न मज्जन पाव अभागा। समझिए, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कुछ अभागे प्राणी ऐसे भी होते हैं जो सत्संग में पहुंच तो जाते हैं जिस किसी भी प्रकार से, लेकिन यहाँ आने पर उनको जड़ता का जाड़ा लगने लगता है। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयउ न मज्जन पाव अभागा। जैसे कोई व्यक्ति परिश्रम करके, मेहनत करके, टिकट बना करके यहाँ से तीर्थराज प्रयाग पहुँच जाए इलाहाबाद, और प्रयाग में जनवरी के महीने में जब कड़ाके की ठंडी पड़ती है उस समय मौनी अमावस्या का स्नान वहाँ पर लोग करते हैं, और वहाँ जाने के बाद उसको जाड़ा लगने लग जाए और हिम्मत न हो कपड़े उतारने की तो जा कर के भी स्नान नहीं कर पाते। उसी प्रकार जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गय न मज्जन पाव अभागा। जो अभागे प्राणी हैं वो सत्संग रूपी सरोवर तक पहुँच तो आते हैं, लेकिन अज्ञानता जाड़ा उनको इतना पकड़ लेता है कि उनका मन सत्संग में लग नहीं पाता, डूब नहीं पाता है। तर्क कुतर्क से बुद्धि उनको विचलित करते रहती है और सत्संग रूपी सरोवर में वो स्नान नहीं कर पाते। अगर आ गए और सरोवर में डुबकी लगाई, भगवान की कथा में अपने मन को स्नान कराया, तो समझ लीजिए आप बड़भागी हैं, भगवान की उसके ऊपर प्रत्यक्ष कृपा बरस रही है, यही कृपा का परिणाम है। बोलिए श्री राम कृपा बिनु आई न जाई। आप सभी बड़भागी हैं कि अपने व्यस्ततम समय को इतना समय निकाल कर सत्संग में संतों का ज्ञान सुनने आए। जीव का परम धर्म यही है कि इस मानव योनि को प्राप्त करके वो भगवान के चरणों को प्राप्त करे, ईश्वर को प्राप्त करे, इसीलिए ये मानव जीवन मिलता है। अन्य जीवन जो है ना, पशु पक्षियों का जीवन, भोजन शयन, पशु पक्षी क्या करते हैं? संतान की उत्पत्ति, भोजन शयन, ये पशु भी करता है, करता है। लेकिन पशु कुछ नए कर्म नहीं करता, पशु केवल अपने पूर्व में किए गए कर्मों के फल को भोगता है। इसलिए पशु योनि भोग योनि है। उस योनि में प्राणी अपने पाप कर्मों के फल को भोगता है, इसलिए वो पशु बनता है। और मानव योनि, बोले ये मनुष्य जन्म इसलिए मिलता है कि इस जन्म में आप अपने पाप पुण्य कर्म दोनों का भोग करो, और साथ साथ में नए पाप पुण्य करने का अवसर भी आपको मिल जाता है, और इसके साथ साथ
मानव जीवन में ये भी अवसर मिलता है कि तत्व बोध प्राप्त करके, ध्यान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके, परमात्मा की भक्ति करके संसार सागर से तर जाता है, मोक्ष मिल जाता है। नर्तन बार बार नहीं मिलता, ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। फिर जननी ना ही जनेगी, अब न बनी तो फिर ना बनेगी। अगर मानव जीवन में आपने बनाया नहीं तो फिर ये बनाने का अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। बार बार संतों ने, महापुरुषों ने चेताया, चेतावनी दी संतों ने कि संभल जाओ, अगर इस जन्म में तुमने अपना नहीं बना लिया तो फिर ये अवसर मिलेगा फिर नहीं, मिलेगा कि नहीं पता नहीं। इसलिए संत का काम है चेतावनी देते रहो, जैसे चौकीदार होता है ना, चौकीदार क्या करता है, बोले वो घूमता रहता है रात्रि में गली गली में और कहता है जागते रहो जागते रहो, करता है ना। चौकीदार का काम है कि वो जगाता रहता है। एक महात्मा कहते थे ये संत लोग कौन है, बोले संत लोग चौकीदार है, इसलिए चौकी पर बैठते हैं, चौकीदार है। और आप लोग, बोले आप लोग जमीन पर बैठे इसलिए जमींदार हो। जो चौकी पर बैठे वो चौकीदार और जो जमीन पे बैठे वो जमींदार। तो जमींदार की प्रॉपर्टी कहीं लूट ना जाए, इसलिए चौकीदार का काम है कि वो आपको जगाता रहता है, जागते रहो जागते रहो जागते रहो। संतों का यही काम है, समाज को जगाओ, जगाने का, अपनी संस्कृति को, संस्कार को समझो और परमात्मा के चरणों में मन को लगाओ। ये संसार जो दिख रहा है ये क्षणिक है। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमाम, भगवान कहते हैं ये संसार अनित्य है, ये नित्य नहीं है। आज तुम्हें दिख रहा है और कब आंख बंद हो जाए सब छूट जाएगा, एक क्षण में सब कुछ छूट जाएगा। ऐसी स्थिति में अपने मन को, अपने चित्त को परमात्मा के चरणों में हम लगा लें, यही मानव जीवन का परम फल है। मनुष्य जीवन प्राप्त करने का यही परम उद्देश्य है, भगवान के चरणों की भक्ति आपको प्राप्त हो जाए। और भगवान तो भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणैः भक्त प्रियो माधवः, भगवान भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भक्ति का मतलब क्या होता है, प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, स्वार्थ रहित प्रेम, उसी को भक्ति कहते हैं। और बाकी जो भक्ति है, बोले वो तो स्वार्थ वाली है महाराज, मंदिर में गए दो पैसे का फूल, फोकट का पानी भगवान के ऊपर चढ़ा दिया और कहा महाराज हमारा ये काम करो, करोड़ों का काम भगवान से मांग लेते। तो ये भक्ति नहीं है, ये व्यापार है। क्या है, इसको व्यापार कहा। भगवान से व्यापार मत करो, भगवान से तो प्यार करो। प्यार में समर्पण होता है और व्यापार में लेन देन होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में जब नरसिंह भगवान की कथा आई, तो नरसिंह भगवान जब खंभे से प्रकट हुए गर्जना करते हुए, यस्तंभा गर्जमानो गगड गड़गड़ाट बाल चंद्रात दृष्ट व्योमा भूत पाट्यमान पपट पट स्टाड्यमान चढ़ा भी, गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया, भक्त प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा प्रभु आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा प्रहलाद वरदान मांगो, क्या चाहते हो, आज मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे ऊपर, ऐसी विषम परिस्थिति में भी तुमने मेरा भजन नहीं छोड़ा,
इतने दुख आए तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुमने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी, तुम्हारे समर्पण से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहते। यहां तक भगवान ने कहा कुछ भी मांग लो प्रहलाद, कहो तो आज मैं तुमको ब्रह्मा बना दूं, ब्रह्मा जी को आवश्यक रिटायरमेंट दे दिया जाए, उसको सेवानिवृत्ति दे दी जाए, तुमको ब्रह्मा बना दूं। कहो तो भगवान शंकर का जो पद है, भगवान शंकर को भी सेवानिवृत्त कर दूं, उनका पद तुमको दे दूं, इससे बड़ा पद और क्या हो सकता है, जो मांगो। लेकिन भक्त प्रहलाद जी ने क्या कहा, भक्त प्रहलाद जी ने भगवान से कहा, प्रभु यस्त आशिष आशास्ति न सवृत्यः सवैवणिक, जो आपसे कुछ मांगता है प्रभु वो आपका भक्त नहीं होता। खारिज कर दिया प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी ने कहा जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं है, वो तो व्यापारी है, देने वाले को न पता हो कि इसको क्या चाहिए, इसके लिए क्या अनुकूल है। और भगवान बोले, भगवान तो सर्वज्ञ है, उनको सब कुछ मालूम है, आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है, ये सब भगवान को मालूम है। अगर भगवान से हम मांगते हैं तो इसका मतलब है भगवान के सर्वज्ञता पर हमको भरोसा नहीं है। भगवान अगर सर्वज्ञ है तो उनको सब कुछ पता है, हमारा हित किस में है। ए लड़का खड़ा हो जाओ उधर पीछे खड़ा। इसलिए भगवान से तो मांगने की जरूरत ही नहीं, मांगना है तो भगवान से केवल दो चीज मांगो बस। क्या मांगो? दो चीज। भगवान शंकर ने जो मांगा वो मांगो। क्या मांगा भगवान शंकर ने? क्या मांगा? बोले जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ अयोध्या में, सभी देवता भगवान की स्तुति करने के लिए आए, तो भगवान शंकर भी आए। तो भगवान शंकर ने कहा, प्रभु आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान श्री राम ने कहा, मांगो। तो भगवान शंकर ने, इसका मतलब ये है कि रंगनाथ जी में और राम जी में कोई अंतर नहीं है, राम जी ही रंगनाथ है और रंगनाथ ही राम जी है। भगवान शंकर कहते हैं, बार बार बर मांग हूँ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। दो चीज मांगा भगवान शंकर। हे प्रभु, आपके चरण कमल की अनुपायनी भक्ति मुझे मिले और मुझे सदा सत्संग मिलता रहे, यही दो चीज आप हमको दे दीजिए। बोलिए श्री। तो मांगना भी आपको आना चाहिए, किससे क्या मांगे। गुरु महाराज कहते थे, राजा मांगने के लिए कहे तो क्या मांगोगे, क्या मांगोगे? 5 किलो गेहूँ दे दीजिए, मोदी जी की भी बेइज्जती हो जाएगी। तो जो परम पिता है, परमात्मा है, उनसे क्या मांगोगे? कबीर साहब कहते, क्या मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1000 रावण घर दिया न बाती, सोने का महल रुपए का छाजा, आ छोड़ चले नगरी के राजा, आवत संग न जात संगाती, काह भय दल बांधे हाथी, आ कहे कबीर अंत की बाड़ी, हाथ झाड़ी जो चला जुवारी। जुवारी जब हार जाता है ना, दिन भर की मेहनत की कमाई मुंह लटका के जाता है, वैसे जीवन भर धन संचय करने में अगर आप बिता दिए और आत्म धन के लिए आपने प्रयास नहीं किया, हरी धन आपने जमा नहीं किया, भक्ति का धन जमा नहीं किया, तो आप हारे हुए जुआरी की तरह अंत में जम की मार खाते हुए जाइएगा, व्यर्थ हो जाएगा सब। तो मांगना क्या चाहिए? गुरु महाराज कहते थे, मांगो ऐसा, क्या मांगो? गुरु महाराज जी एक कहानी कहते थे कि एक राजा की कई रानियां थी, राजा बनारस जा रहे थे दूसरे राजा के यहाँ, तो सब रानियों को बुलाकर कहा कि मांगो, आ क्या चाहिए आप लोगों को, जब हम लौटे तो क्या लाए आपके लिए। तो सब अपना अपना इतना बड़ा बड़ा लिस्ट थमा दी लोग कि ये लेते आइएगा, ये लेते आइएगा, ये लेते आइएगा, सब कुछ लेते आइएगा। एक छोटी रानी थी, उससे पूछा कि
तुमको क्या चाहिए? बोली हमको कुछ नहीं चाहिए, आप चुपचाप सकुशल मेरे पास लौट के आ जाइए, बस हमको यही चाहिए। राजा सबके लिए सामान लेके आए, तो जो नहीं मांगी उसके लिए नहीं लेंगे, सबके लिए लेंगे या जो नहीं मांगी उसके लिए नहीं लेंगे। मांग करके लेने में मांग करके कौन लेता है, है? तो उसको तो दिया जो मांगा, लेकिन जो नहीं मांगी थी उसके लिए भी लिया और सबके घर में सामान भेजवा दिया। लेकिन सभी छोटी रानी जो थी उसके पास राजा स्वयं चले गए और उसी महल में जाके रह गए। तो गुरु महाराज कहते थे कि देखो, उसने राजा से राजा को मांग लिया तो राजा भी मिल गए और संसार भी मिल गया। तो परमात्मा से जो परमात्मा को मांगता है उसको सब मिल जाता है। लेकिन हम लोगों का क्या है, हमको कोई पूछता है बाबा कुछ चाहिए तो हम कहते हैं हाँ कलम चाहिए, किताब लेते आइएगा, यही बोलते। और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा क्या मांगेंगे? आज जो नहीं भी मांगेगा ना, जो नहीं भी मांगेगा तो संसार परमात्मा सबकी व्यवस्था करते, ठीक है? योग क्षेम भाव में हम जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनकी सारी व्यवस्था स्वयं करते। एक आदमी ने कहा, बड़ा आलसी था, भगवान की भक्ति करते करते एक दिन भगवान मांग संसार के लिए भक्ति कर रहा था, कहा हे भगवान हमको ऐसा आप वरदान दीजिए। शहर का आदमी था, कहा हमको ऐसा वरदान दीजिए भगवान कि लोग काम तो अपना करे लेकिन पैसा हमको दे, काम लोग अपना करे अब पैसा हमको दे, खटेंगे आप अपना और जमा करेंगे हमारे, सब लाके हमको दे। तो भगवान बोले कि ठीक है एवं अस्तु। वो क्या हुआ पता, उसको क्या मिली, नौकरी मिली, काम उसको मिला। शहर में जो गए होंगे देखे होंगे लिखा रहता ना सुलभ शौचालय, शौचालय में लोग जाते हैं शौच पे खाना करते हैं और वहाँ जो बैठा रहता है उसको 10 रुपया 5 रुपया देते हैं ना, वो उसी सुलभ शौचालय का किरानी बन गया। लोग काम अपना करते थे पैसा उसको देते थे। तो भगवान से मांगने में थोड़ा सावधान रहिएगा, है ना, कि क्या मांगू कछु थिर ना रहा है। इसलिए संसार क्या मांगना है, आत्मा का परमात्मा का ज्ञान हो जाए, ईश्वर मिल जाए तो सब मिल जाएगा। आप भक्ति कीजिए, व्यवस्था ईश्वर की होगी, सारी व्यवस्था आपकी करेंगे। आप भक्ति में, आपकी वृत्ति भक्तिमय हो तो आप ही सब व्यवस्था हो जाती है, संसार अपने आप सुधर जाता है। भगवान से, भगवान शंकर ने भक्ति मांगी और सत्संग मांगा, ये दो चीज़ मांगा। तो भगवान से कभी मांगना भी है तो यही मांगो, हे प्रभु आपके चरणों की भक्ति मिले और सदा सत्संग मिलता रहे, संतों का संग मिलता रहे। और संतों का संग मिलेगा तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा और भक्ति जीवन में आ जाएगी तो सारे सद्गुण आ जाएंगे। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्यकिंचना सर्वैः ही गुणैः ही तत्र समासते सुराः। वेदव्यास जी कहते हैं कि जब जीव के हृदय में भगवान की भक्ति आ जाती है तो जितने देवता हैं, एक एक गुणों के जो देवता हैं, वो सारे देवता अपने गुणों के साथ आपके आकर में निवास करते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना, जिसके अंदर भगवान की अकिंचन भक्ति हो, सर्वैः गुणैः ही तत्र समास्ते सुराः, सारे गुणों के सहित देवता आकर के उसके अंदर विराजमान हो जाते हैं, उसे किसी गुण को पाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपितु गुणों के अधिदेवता ही आकर के उसके अंदर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये भक्ति की महिमा है। ये भगवान से भक्ति मांगो। और क्या मांगे, बोले सत्संग मांगो, हे प्रभु बार बार कृपा करो सत्संग मिलता रहे। पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा
सत्संग, सत्संग तो सदा मिले, बार बार मिले। क्यों बोले? सत्संग मिलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। मत की रति गति भूति बलाई, जहाँ जब जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनु पाऊ। इस संसार में मति कीर्ति गति भूति भलाई जिस किसी ने भी पाया तो सत्संग के द्वारा ही पाया। इसलिए भगवान से यही मांगना चाहिए कि बार बार हमें सत्संग मिले। और संतों का संग मिलेगा तो आपकी जो बिगड़ी है वो भी सुधर जाएगी। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, संत कबीर साहब, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग से किसका किसका काम बन गया? उदाहरण दिए, ध्रुव जी की बन गई और प्रहलाद जी की बन गई। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों का संग अगर मिला तो कभी आपका नुकसान नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, साधु ते होई न कारज हानि। कभी साधु से, संत से कार्य की हानि नहीं होती, कोई नुकसान नहीं। ये संसार सपना है, ये अपना नहीं है, ये सपना है। भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपना है, और सपने में कितना भी परिश्रम करके राजा बन जाओ, जागने के बाद कुछ नहीं, और सपने में सब कुछ लूट जाए उसके बाद जागने के बाद कहीं कुछ नहीं। यही संसार है। इस बात को अगर आप समझ लें तो दुनिया में कहीं कोई कष्ट है ही नहीं। न कुछ नुकसान में दुख है, न फायदा में सुख है, सुख दुख से परे होकर आनंद में डूब जाएंगे। यही संतों की मस्ती है। संतों ने इसी आनंद को अनुभव किया। मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में कोई फर्क नहीं, ये संतों की मस्ती है। आप काम बहुत करते हैं, पढ़े बहुत हैं, पर स्ट्रेस बना रहता है, तनाव बना रहता है, कभी घर का तनाव कभी। और हमारे संतों को देखिए, भारत के संतों को देखिए, जो फक्कड़ संत होते हैं, बड़े मौज में रहते हैं, वो 24 घंटे मुस्कुराते रहते हैं। क्या दुख क्या सुख है, क्यों? क्योंकि अध्यात्म एक ऐसी पढ़ाई है, अध्यात्म एक ऐसी यात्रा है, अध्यात्म एक ऐसा जीवन है जिस जिंदगी में कुछ भी जेब में ना हो, जेब में तब भी व्यक्ति सहनशाह की भांति जिंदगी जीता है। अध्यात्म के कारण मौत को भी गले बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वो लगाता है। गुरु गोविंद सिंह को देखिए, क्या अद्भुत संत थे। उनके दोनों बालकों को जब दीवाल में औरंगजेब द्वारा चुनमाने का काम किया गया कि उनको दीवाल में क्या बोलते हैं चुनवाया जाए, तो उनसे फिर कहा कि तुम्हें दीवाल में अपनी मृत्यु को नहीं चाहते हो तो तुम मेरा धर्म कबूल कर लो। मुस्कुरा के उन्होंने कहा, माफ करना, प्राण दे देंगे पर धर्म में अपना ही रखे रहूँगा। धर्म से समझौता नहीं किया। ये सामर्थ्यता सिर्फ और सिर्फ संतों की कृपा से आती है। गुरु गोविंद सिंह बहुत अच्छे संत थे और बहुत बड़े योद्धा भी थे। गुरु गोविंद सिंह दोनों आवश्यक है, दोनों आवश्यक अपनी ज़िंदगी में है। तो सत्संग एक ऐसा साधन है जिससे आप जिंदगी जीने की कला सीख सकते हैं। किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए आप सत्संग से सीख सकते हैं। भगवान की कथा से भी सीख सकते हैं, भगवान के नाम के महिमा से। सत्संग का मतलब ये नहीं कि आप सुन चुके फिर सुने बाबा क्या निकलता है। बार बार सुनने से 3-3 घंटे का टाइम और बर्बाद होता है। अरे पागल, ये सबसे कुछ होता, सत्संग से क्या नहीं होता ये पूछिए, क्या नहीं होता सत्संग से। एक बार भगवान नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि सत्संग क्या है, इसकी महिमा क्या है, आप हमको बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, ये हम नहीं बताएंगे, वो जो बैल है ना, बैल को जाके पूछो, बैल को। बैल नीचे एक बैल था, नारद जी गए
हाँ जुड़ के कहते हैं, वैसे तो हमें भरोसा नहीं कि आप सत्संग की महिमा बताओगे, फिर भी भगवान विष्णु ने कहा है कि आपसे सत्संग की महिमा पूछूं, तो आप बताओ कि सत्संग की महिमा क्या है। बैल इतना सुनते ही मर गया। बैल नारद जी वापस आए, बोले जिसके लिए तुमने कहा था सत्संग की महिमा पूछने, वो तो टपक गए। भगवान विष्णु बोले कोई बात नहीं, वो जो चींटी जा रही है ना नीचे, चींटी उसको जा कर के पूछो। बड़ा प्यारा मजाक कर रहे हो, कहीं चींटी बताती है, जाओ ना पूछो। नारद जी भागते भागते गए, चींटी को हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए, माफ करना वैसे तुम पर भी भरोसा नहीं है कि तुम बता पाओ, फिर भी भगवान ने कहा तो मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ सत्संग की महिमा क्या है। अब वो चींटी भी मर गई। नारद जी आए, बोले सरकार दोनों उपदेशक टप गए। भगवान बोले कोई बात नहीं, अमुक नगर में एक राजा के घर पर एक नन्हा सा भी अभी बच्चा पैदा हुआ पुत्र, उसको जाकर के पूछो। नारद जी बोले अब तो हो गया काम तमाम। बैल तो ठीक था, बेचारे ने मारा नहीं, चींटी मार नहीं सकती, लेकिन ये राजा का पुत्र है महाराज, दो जगह पूछने गए दोनों टप गए। आ कहीं राजा के घर पर पूछने गए आ उसको पूछा, वो अगर टप गया तो राजा इतनी पिटाई करेगा कि बिना इना महाराज सब भूल जाएंगे हम, तो महाराज कीर्तन भी भूल जाएंगे, हम फांसी पे टंगवा देगा। भगवान ने कहा चुप जाओ पहले पूछो। नारद जी ने कहा देखो अब आप गड़बड़, अब नहीं हम जाने वाले, दो को पूछे दोनों मर गए, अब हम जाने वाले नहीं, ये तो श्योर श्योर आफत मोल लेना है, लगता है आप मजाक के मूड में हो। भगवान ने कहा नहीं नारद जी आप जाके पूछो। नारद जी उस राजपुत्र राजभवन में आए जहाँ पर राजा का नन्हा सा बालक नन्हा सा शिशु था, वहाँ करके नारद जी बैठ गए। बैठ करके नारद जी हाथ जोड़ करके कहते राजन क्षमा करना, हमें भगवान विष्णु ने भेजा आपके पुत्र को कोई मंत्र देना है। अरे वो राजा भक्त था, वैष्णव था, सत्संगी था, भगवान का प्यारा था, संतों को बहुत मानता था, कहा ठीक है महाराज जब प्रभु की आज्ञा है तो आप जाके दर्शन दो, अपने आशीर्वाद दो मेरे बालक को। नारद जी गए डरते डरते कि कहीं हमको कुछ बोले ये सच में न टपक जाए, जैसा पहले हाल हुआ है बड़ी दुर्दशा हो जाएगी फिर हमारी, लेकिन करें क्या, भगवान की आज्ञा है। हाथ जोड़ के नारद जी कहते हैं भैया सत्संग की महिमा बताओ। अब लगा कि इतना तो पूछेंगे तो तुरंत ये मर जाएगा, तो डरने लगे नारद जी, लेकिन जैसे इतना कहा तो वो बालक हंसने लगा। नारद जी चौंक गए, भगवान की कुशल है जिंदा है, नहीं मरा, कोई अनहोनी नहीं हुई। भैया सत्संग की महिमा बताओ ना, हंस क्यों रहे हो। वो नन्हे से बालक में चेतना विद्यमान हो गई नारद जी की वाणी सुनकर, क्योंकि भगवान की आज्ञा थी तो वो बालक की वाणी स्फुरित हो गई, खुल गई। अब वो बालक कहता भगवान देव ऋषि नारद जी माफ करना, इससे बड़ी क्या महिमा हो सकती है। नारद जी बोले हम समझे नहीं। बोले महाराज आपने जब मुझसे पहली बार पूछा सत्संग की महिमा क्या है तब मैं बैल था, अब बैल था और आपने पूछा तो मैं मर गया, दूसरा जन्म कर्म के अनुसार मुझे चींटी का मिला, फिर तुमने पूछा सत्संग की महिमा क्या है, फिर उस बात कान में जैसे पड़ी तो मेरा वो भी जन्म मोक्ष हो गया। सत्संग की ये महिमा है कि एक जन्म में बैल था दूसरे जन्म में चींटी था, कई सालों तक भोगना था, लेकिन सत्संग नाम की इतनी महिमा है कि आपके कहते ही मैं आज राजा का पुत्र बन करके पैदा हो गया। तो ये है सत्संग की महिमा, ये सत्संग की क्या है महिमा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। इसीलिए सत्संग करते रहिए, समय का भी ध्यान रखना है, फिर कल भी सत्संग है, कल आइए आप लोग, कल विशेष रूप से आप लोग की सेवा करूँगा जहाँ तक बनेगा। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु।